सरकार द्वारा लॉकडाउन के चलते हरियाणा के सरकारी स्कूलों में परिस्थितियां सामान्य होने तक ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कर दी गई है। पहली से बारहवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई शुरू की गई है। आपको बता दें कि स्कूल खुलने तक अध्यापक विद्यार्थियों को घर पर ही रहकर अभिभावकों की मदद से फोन एवं व्हाट्सएप के जरिए ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, लेकिन इसके विपरीत बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली से काफी परेशानी आ रही है। फोन के डेटा हवा हवाई हो रहे हैं, वहीं ग्रामीण अंचल में विद्यार्थियों को ऑनलाइन की सुविधा नहीं मिल रही है। कहीं फोन का अभाव है तो कहीं इंटरनेट नेटवर्क व बिजली की समस्या है। आपको बता दें कि प्रतिवर्ष नया शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल से शुरू होता है, लेकिन इस साल कोरोना महामारी के चलते पूरे देश में लॉकडाउन है। इस कारण से यह सत्र अभी शुरू नहीं किया जा रहा है। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की पढ़ाई का नुकसान ना हो, इसलिए हरियाणा शिक्षा विभाग ने विभिन्न ई लर्निंग प्लेटफॉर्म बनाए हैं। अध्यापक प्रतिदिन सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ाएंगे। देखिए रिपोर्ट। मैं चाहता हूँ कि लॉकडाउन में फोन में की स्टोरेज भर जाती है, वीडियो जितनी आती है कि नेट भी कंज्यूम हो जाता है सारा। और ये कहना चाहता हूँ कि पढ़ाई भी ऑनलाइन होती है लेकिन डायरेक्ट होती है तो अच्छा लगता है और एक्सपीरियंस भी बढ़ता है। सेहत, आँखों की रोशनी भी दर्द होता है, रोशनी पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए फिर रेस्ट लेना पड़ता है। बारी बारी कर लेते हैं। रोज़ 3 घंटे क्लास लगती है व्हाट्सएप पर, फिर बाद में 3 घंटे और पढ़ते हैं फ़ोन पे। इससे 6-7 घंटे फ़ोन पे निकल जाते हैं हमारे, जिससे आँखों पर भी प्रॉब्लम होती है। यूज़ तो 700 से 800 MB यूज़ हो जाएगा अगर 6-7 घंटे तक पढ़ाई करते रहे तो। बाकी मैडमें भी भेजती रहती है PDF वीडियोस भेजते हैं। बच्चे ऑनलाइन जरिए कर रहे हैं, बहुत अच्छा सहयोग दिया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने, मगर थोड़ी दिक्कत फ़ोन की आ रही है कि घर में एक ही फ़ोन है, उससे 3-4 बच्चे होते भी प्रॉपर पढ़ाई नहीं कर पा रहे। इसलिए हम मोदी जी को कहना चाहते हैं कि टीवी के माध्यम से चैनल को ही वो करें और उस हिसाब से ही बच्चे भी पढ़ाई ठीक कर पाएंगे। बस एक ही है, जिस हिसाब से बच्चे थोड़ी थोड़ी देर भाई घंटा 2 घंटा एक बच्चा लेता है, फिर 2 घंटे, इससे थोड़ी दिक्कत आती है तीनों बच्चों को करने में। तो इसलिए हम कहते हैं कि भाई थोड़ा टीवी के जरिए चलेगा तो सारे बच्चे प्रॉपर ग्रामीण बच्चे भी सब बच्चे भाई इसको देख पाएंगे, पढ़ाई अच्छी तरह कर पाएंगे। फोनों में बच्चे पढ़ते हैं फिर इनका सिर दर्द, आँखों नज़र लगा के रखते हैं, सिर दर्द आँखों में दर्द भाई होता। कोरोना बीमारी के दौरान जो ये लॉकडाउन गवर्नमेंट ने मजबूरी में करना पड़ा, हमने भी बड़ी चिंता हुई कि पढ़ाई कैसे चलेगी बच्चों की, क्योंकि बोर्ड के जो एग्ज़ाम थे वो भी जब बंद कर दिए कुछ समय के लिए, तो स्कूल में तो फिर पढ़ाई का काम नहीं चल सका था। लेकिन सरकार ने, हरियाणा सरकार ने जब देखा कि भी बच्चों की पढ़ाई के साथ हम कोई समझौता नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें अपने शिक्षा विभाग के तहत जितने भी अध्यापक प्राध्यापक थे उनको निर्देश दिए कि भाई ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाया जाए। हमने भी फटाफट बच्चों के गवर्नमेंट के आदेश को मानते हुए व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाया और पढ़ाई शुरू करवाई। लेकिन फिर बच्चों के जो हमने पूछा कि भी काम ठीक कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, कहीं बच्चों ने होमवर्क नहीं दिखाया समय पर, तो हमने पूछा कि भी क्या कारण है। उन्होंने फिर ये फ़ोन की समस्या बताई कि भी हमारे घर में फ़ोन स्मार्टफोन नहीं है जिसके ऊपर व्हाट्सएप चले, कीपैड वाले हैं। फिर हमने दूसरे बच्चों के जिसके पास स्मार्टफोन था उसके साथ उनको ऐड किया एक ही नंबर पर 3-4 बच्चों को। फिर सोशल डिस्टेंसिंग की भी समस्या थी, फिर उसको भी ध्यान में रखना था। फिर हमने उनको टाइम टेबल बना करके दिया कि भी 1-1 घंटा फ़ोन आप लो और तब अपना काम करो, चाहे 10-11 बजे रात के, ग्रुप में नहीं बैठना है। फिर उनके पेरेंट्स को भी बताया कि भी आप अपने फ़ोन मत करो जब तक बच्चों का काम नहीं होता। फिर थोड़ी सी समस्या, बच्चे फ़ोन से थोड़ा उब गए, अखर गए कि भी फ़ोन से ज़्यादा तंग हो गए 3-4 दिन के अंदर। फिर एक नई आशा की किरण जगी, सरकार की तरफ से आदेश आए कि भी हम अब टीवी चैनल के जरिए ही बच्चों को पढ़ाएंगे अगर फ़ोन की कोई समस्या है तो। ये बड़ा अच्छा लगा, लेकिन वो चैनल सर्च नहीं हो पा रहे। हमने भी उसको चेक करके देखा, बच्चों को बताया कि भी इसी नंबर के ऊपर आप ये चलाओ, टीवी लगाओ और उससे पढ़ो बैठ करके। तो फिर बच्चों ने बताया कि सर चैनल तो नहीं आ रहे। फिर हमने केबल वालों से भी बात करी तो कहा है देखो आज शाम तक वो चल जाएंगे। ये एक अच्छी पहल है और इससे पता भी लगता है कि भी हमारी हरियाणा सरकार जो है, मुख्यमंत्री जी हैं,
वो हमारे हरियाणा प्रांत के जितने भी विद्यार्थी हैं उनकी पढ़ाई के प्रति कितने संजीदा हैं, कितने सचेत हैं, कितने चिंतित हैं, ये एक अच्छा काम सरकार ने किया। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.